हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं रामनगर, मुरादाबाद स्टेशन से हम ट्रेन पकड़ेंगे रामनगर के लिए। जो हमें टाइम पता चला है 1:50 पे यहाँ से ट्रेन निकलेगी, उसके लिए हम टिकट घर ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे टिकट कहाँ मिलेगा हमें पता नहीं है। हम ये हमारे दोस्त, हमारे भाई सनी यादव, ये हमें सिर्फ ले आए हैं ना, कुछ पता वता है नहीं, सिर्फ हमें ले आए हैं घुमाने के लिए, कुछ पता वता नहीं है। जर्नी हमारी ऐसी है बेफालतू की, पहली बार जर्नी कर रहे हैं हम अकेले, अपने माँ बाप से अलग पहली बार ऐसे, वो भी इस आदमी के साथ। ये देखिए टिकट घर के हालात दिखाते हैं आपको, मतलब मुरादाबाद का रेलवे स्टेशन लोग कैसे सोते हैं यार, लोग खा खा सफ़र करते हैं मुरादाबाद आने के लिए, और मुरादाबाद में ऐसी कोई जगह नहीं यहाँ पर घूम सकें। हम लोगों ने टिकट ले लिया है यहाँ से, अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 का बताया गया है कि इसमें से एक प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन आएगी। अब देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन आएगी, चलो मिलते हैं अब ट्रेन के अंदर। ये है हमारा टिकट, 135 रुपये का टिकट पड़ा है, मतलब मुरादाबाद से रामनगर के लिए 45 रुपये का टिकट लगता है। आगे बने रहिए, हम आपको और जानकारी देंगे। ये हमारा कुली है, ये हमारा बैग ट्रैवल कर रहा है, सारा काम इसका ही है। ये हमारा एक होता है ना, गाइडर लेके चलते हैं, ये हमारा गाइडर है। अबे ये तो मालगाड़ी, बिल्कुल दिमाग नहीं है, किसी काम का नहीं है। और आगे बने रहिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी। अब हम एस्केलेटर पे चल रहे हैं, ये हमारा एस्केलेटर है, मुरादाबाद की फैसिलिटी है, ये नहीं लॉन्च हुई है अभी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, फिर कुछ नहीं। इस टाइम हम लेट हुए हैं, ये मुरादाबाद की नई फैसिलिटीज लॉन्च हुई हैं। मैंने बता दी मुरादाबाद में इतनी फैसिलिटीज आ रही हैं, लेकिन जो भी अच्छा है, चलना वलना बच रहा है हमारा, हम घूम रहे हैं ऐसे। हमें पता है नहीं ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आई है, सिर्फ टिकट विकेट ले ली है, पैसे तो दे दिए हैं, पैसे चले जा रहे हैं। ये हमारा स्टॉप देखिए, नाश्ते के लिए हमें कितना सामान ले आ रहे हैं, हम बाहर आ गए। फाइनली रामनगर सीधे, तो अब हमारा प्लान है यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे और गिरजा देवी जाएंगे। गिरजा देवी में आएंगे, बहुत मुश्किल से हम यहाँ पर आए, आप नहीं सकते तो मजे से आया है, लेकिन जिंदगी के मजे ही तो ये हैं जो जिए हैं हमने। लंगूर बने, सब कुछ करा है, हमारा सफर याद के है एक, और हम यहाँ से ऑटो पकड़ गिरजा देवी के लिए प्रस्थान करेंगे। बोलो गिरजे मैया दी। हेलो गाइस, हम गिरजा देवी पहुँच चुके हैं, हमारा 2:30 बजे, हम 1 बजे घर से निकले थे 1:15 पे, और हमारा सफ़र यहाँ इस टाइम 5:10 हो रहा है, 4 घंटे का लंबा सफ़र हमारा समाप्त हुआ। बहुत खतरनाक सफ़र था, ऐसा सफ़र सबको करना चाहिए, लेकिन मज़ा आया कुछ भी कहो। अब तो अंदर जाके देखिए, हम आपको अंदर का व्यू दिखाएंगे क्या क्या होता है अंदर, लेकिन लाइफ में मेरे इंटरेस्ट है, मज़ा आ गया है। चलो चलते हैं अंदर, मंदिर के दर्शन करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, आपको सब दिखाएंगे कैसे कैसे क्या होगा। देखिए हम मंदिर में पहुंच चुके हैं, सुबह के 5:10 हो रहे हैं, और लोगों का वो देखिए उत्साह, कितनी भीड़ हो रही है मंदिर सुबह 5 बजे इस टाइम, या किसी भी टाइम आ रही है, लोग ही लोग मिलेंगे आपको। ये बेस्ट जगह है, डेस्टिनेशन बेस्ट, मंदिर बेस्ट। ये देखिए सामने गिरजा देवी का मंदिर, ये माता, बहुत तगड़ा खाना होगा, आपको हम दिखा नहीं पाएंगे अपना खाना बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इशूज, और वो भी बात है कि यहाँ पे थोड़ा फोन वोन भी रखा जा रहा है हमारा, कि हम लेके तो जा नहीं सकते अब अंदर। एक ये देखिए, इसकी तो बस की देखिए क्या नज़ारा है, पीछे का नज़ारा, व्यू, व्हाट अ व्यू यार, लाइफ हो तो ऐसी यार, बसने का दिल कर जा। ये देखिए वहाँ नहाना चल रहा है, फुल इंजॉयमेंट, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। पीछे हमारे वो हैं बिब्रो अंकुर भाई, से अंकुर भाई मर गया, काफी ऊपर है माता रानी का मंदिर, तो हम लोग ने प्रसाद चढ़ा दिया है, बिल्कुल टॉप पे है हम लोगों ने प्रसाद चढ़ा लिया, हमने गिरजा देवी में नहा भी लिए, नदी का ही मजा लिए, प्रसाद भी चढ़ा लिया, शॉपिंग भी कर ली, चश्मे भी खरीद लिए, अपनी वरना थी कौन सी थी, चश्मे वचमे सब ले लिए, कार निकलवा ली, कार अपनी वो है, कार भी निकलवाई है हमने, आ रही है मतलब निकालने गया ड्राइवर हमारा,
ये देखिए गाइस, ये पीछे का व्यू देखिए, लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। अभी दोबारा ना कर आएंगे हम, कुछ देख नहीं रहा है। अबे